ओम शांति। 24/8 2020 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। प्रश्न: विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? उत्तर: जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी ना आए, यह ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है, लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। ओम शांति। बड़े ते बड़ी मंजिल है याद की। बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है, ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है। 84 के चक्र को समझना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, जास्ती कुछ नहीं है। तुम बच्चे समझते हो हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्वदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते हैं, जैसे कृष्ण के लिए दिखाया है। अब यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप है, क्या उनको स्वदर्शन चक्र है? फिर कृष्ण को चक्र क्यों नहीं दिखाते हैं? एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, ना कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। असुर उनको कहा जाता है जिनका आसुरी स्वभाव है, बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना, ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्र से बैठ सबको मारते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठ बनाए हैं, रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं। वह हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं, यह है बेहद का ड्रामा। इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे, वह तो 2 घंटे का ड्रामा होता है। डिटेल में पार्ट जानते हैं, यह तो 84 जन्मों का जानना होता है। बाप ने समझाया है, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि में यह बातें आ ना सके। यह भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म हैं या 84 जन्म हैं। बाप कहते हैं, तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म हो तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाएं? तुम तो सेकंड में जान जाते हो, यह 84 जन्मों की कहानी है। हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है? 84 लाख हों तो सेकंड में थोड़े ही समझ सकते हैं। 84 लाख जन्म है ही नहीं। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब हम घर जाते हैं, बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। विकर्म भस्म हो कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए यह युक्ति बताई है। बाकी समझाते हैं, इस जन्म में जो भी विकर्म किए हुए हैं वह लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए। जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख ना सके। विकर्म तो होते आए हैं, जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो कर्म विकर्म हो पड़ते हैं। सत्ययुग में कर्म अकर्म होते हैं। भगवान उवाच, तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाता हूँ। विकर्माजीत का संवत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने ही समझा है कि हम ही थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा? अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो नहीं हो सकता। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हें पतित से पावन, पावन से पतित बनना ही है। यह भी ड्रामा में नूंद है। अनेक बार यह चक्र पास किया है, पास करते ही रहेंगे। तुम हो ऑलराउंडर पाठधारी, आदि से अंत तक पाठ और कोई का है नहीं, तुमको ही बाप समझाते हैं। फिर तुम यह भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। तुम्हारा तो ऑलराउंडर पार्ट है,
क्रिश्चियन के लिए तो नहीं कहेंगे कि सत्ययुग में थे, वह तो द्वापर के भी बीच में आते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों की ही बुद्धि में है, किसको समझा भी सकते हो। दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, रचयिता को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे। बाबा ने समझाया है जो राइटियस बातें हैं वह छपाकर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है, वह पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैट लिखनी चाहिए। बच्चे कहते हैं काम नहीं है, बाबा कहते हैं यह सर्विस तो बहुत है, यहाँ एकांत में बैठ यह काम करो। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन सबको जगाना है, सबको संदेश देना है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जो समझदार होंगे वह झट समझेंगे। जरूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सत्ययुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं, यहाँ है आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य। यह भी बाबा ने समझाया है, कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने। क्यों स्नान करने जाते हैं? पावन होना चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ मनुष्य स्नान करने जाते हैं वहाँ जाकर सर्विस करनी चाहिए, मनुष्यों को समझाना चाहिए यह पानी कोई पतित पावनी नहीं है। तुम्हारे पास चित्र भी है, गीता पाठशालाओं में जाकर यह पर्चे बांटने चाहिए। बच्चे सर्विस मांगते हैं, यह बैठकर लिखो, गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो, शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो, फिर आपे ही वह जज करेंगे। यह पॉइंट्स भी लिखनी है कि पतित पावन कौन, फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है, शिव अलग है शंकर अलग है। यह भी बाबा ने समझाया है। कल्प 5000 वर्ष का है, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, ना कि 84 लाख। यह मुख्य मुख्य बातें शॉर्ट में लिखनी चाहिए, जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं, समझा भी सकते हैं। यह जैसे गोला है, इसमें क्लियर है फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन होते हैं, तो यह गोला भी होना चाहिए। इसलिए मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर्स भी छपा सकते हो, जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस सहज हो सके। यह चित्र बिल्कुल जरूरी है, कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट्स लिखनी चाहिए वह बैठ लिखो। तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो, अननोन वॉरियर्स हो, तुमको कोई नहीं जानते। बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त, इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं, और धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते हैं जो पढ़ते आते हैं, हर एक के छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है, अभी नहीं छपना है, क्योंकि अभी तो यह शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने हैं। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है, बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है, कोई शास्त्र आदि थोड़े ही पढ़ते हैं, वह तो नॉलेजफुल है। नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं, सबके दिलों को जानने वाला। भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं। बाप कहते हैं यह ड्रामा में नूंद है, ड्रामा में जो विकर्म करते हैं तो उनकी सजा होती जाती है, अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता है, उसकी लिखत तो कोई है नहीं। मनुष्य समझ कर सकते हैं, जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है, अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है, हमने यही है पाप किए, सब याद आता है, जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा। अभी तुम विकर्माजीत बनते हो तो कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए, बड़े ते बड़ा विकर्म है देह अभिमानी बनना। बाबा बार बार कहते हैं देही अभिमानी बन, बाप को याद करो, पवित्र तो रहना ही है। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं यह काग विष्टा समान सुख है, वहाँ दुख का नाम नहीं होता, यहाँ दुख ही दुख है। इसलिए सन्यासियों को वैराग्य आता है, परंतु वह जंगल में चले जाते हैं, उन्हों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। यह दुनिया ही छीछी है, सब कहते हैं बाबा आकर हमारे दुख हर कर सुख दो, बाप ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि हम नरक में हैं।
हम जब मरे तब स्वर्ग में जाएं। परंतु वह भी स्वर्ग में गया, वह यहाँ नरक में आया, कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चे तीन बाप का राज भी सबको समझा सकते हो। दो बाप तो सब समझते हैं, लौकिक और पारलौकिक, और यह अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा फिर है यहाँ संगम युग पर। ब्राह्मण भी चाहिए ना, वह ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंशावली थोड़े ही हैं। जानते हैं ब्रह्मा था इसलिए ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं, यह नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन से ब्राह्मण। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, वह है कलयुगी। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे भी तुम चिट चैट कर सकते हो, तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हैं। अभी भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं, वह भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें नाराज हो, युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो। जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो, तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया, तुम उन्हों का भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वे सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे, वहां बैठ समझाना चाहिए। हम तुमको सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाएं। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है, अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करे, वह है सतयुग। ऐसे सर्विस करनी पड़े, वहां पैदल जाना पड़ता है। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हो उनको जाकर समझाना चाहिए। सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो, तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं, बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। दूसरा, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है, इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। वरदान, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता, जैसे बाप संपन्न है इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा सुखी में खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे, किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा, समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों में घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। ओम शांति। तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का
बिना।